से याद रख सकते हैं भाई। हाथ उठाओ, देखो सारा दिन में कभी पूछेगा तो बताएंगे। चलो माता जी पूछेंगे, माता जी आज एक अच्छा पॉइंट बताओ। हाथ तो उठाया बताना भी पड़ेगा ना। नहीं 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 चलो माता जी सुनाएगी। माता जी नंबर वन बेटी है तो माता जी को पूछना पड़ेगा ना। अच्छा सा एक पॉइंट बताओ, धारणा से और कौन सुना रहे थी? हाँ मेरे भी सुनाओ। दो भाई जी बताओ, आप बढ़ रहे हो भाई जी, तो भी वाला भी बताओ। मन के विचार जो आते हैं सुख और दुख का कारण दोनों ही आते हैं। दुख किसी को नहीं बताओ, अगर बताना है तो केवल डॉक्टर, डॉक्टर माने जहाँ इलाज हो सकता है अपने बाबा। ये अभी बताया सवेरे मुरली बाबा ने जो कहा समय के महत्व को जानो। समय कौन सा समय चल रहा है? सारे कल्प के अंदर संगम का समय है ये। इस संगम पर जैसे कलकत्ता था बरसात के समय पर खेती में बीज बोना है तो सारे साल अगर बरसात के समय पर खेती में अनाज नहीं बोया तो सारे साल क्या खाएंगे? आप कहो मैं बीमार था, घर में शादी थी, बहुत कुछ था, लेकिन अनाज कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा? जो शादी के वाले घर में गए वो खाना खिलाएंगे? एक दिन खिलाएंगे तो सारा साल क्या खाएंगे? मांगना पड़ेगा, है ना। ऐसे यहां भी सारे कल्प में ये गरीब ये श्रीमंत क्यों बने? किसने बनाया? जब भगवान धरती पर भाग्य बांटने आया था सारे कल्प में एक दफा आता है, कलयुग के अंतिम में जब बहुत दुख होता है तब गीता में कहा यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानी मना मनुष्य आत्माओं के धारणा नहीं होती है, कोई धारणा नहीं, जैसे भी प्राणी और मनुष्य में कोई अंतर ही नहीं है। सवेरे उठे स्नान करना चाहिए पता ही नहीं है, सब कुछ भी खा लो कैसे भी चलो स्वच्छता नहीं, किसी के प्रति गलत सोचो तो मनुष्य और प्राणी में कोई अंतर ही नहीं रहा। ऐसे समय पर जो सृष्टि का रचयिता है वो माँ पिता स्वयं आते हैं और ज्ञान देते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे बीज बोनो तो ऐसे ऐसे फल मिलेगा। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीन चीजें, तन निरोगी काया चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, निर्मल मन चाहिए, ये मनुष्य के जीवन में सदा सुखी रहने के लिए ये तीन चीजें चाहिए। तो जैसे मनुष्य को दाल भी चाहिए रोटी भी चाहिए सब चीज चाहिए, सिर्फ दाल ही नहीं खाएंगे, सिर्फ चावल ही नहीं खाएंगे, तीनों चाहिए ना। तो यहां भी शिव बाबा आकर के ये ज्ञान देता है कर्म रूपी धरती पर ऐसे कर्म करो जो मन को शांत स्वच्छ रखने के लिए ज्ञान सुनो, ज्ञान का चिंतन करो, औरों को ज्ञान दे दो। अज्ञान बना आज की मुरली के पॉइंट कल के नहीं, आज का गरम गरम खाना दे दो, बासी खड़ा हुआ खाना नहीं दे दो। जो आज मुरली सुनी जो आपको अच्छा लगा आप भी खाओ, औरों को भी जो मिले सवेरे दिन में शाम को, आप कहेंगे मुझे कोई मिलता ही नहीं है तब विधि बताएंगे फोन करके, सवेरे इनको शाम को उनको, है ना। तो फोन करने में 100 रुपया खर्चा होता है एक महीने में, सब जन्म के लिए धनवान बनेंगे। ऐसे नहीं, ये ज्ञान आपका मेरा नहीं है, ये स्वयं जो अविनाश के है सत्यम शिवम सुंदर वो आके सुनाता है, वो सत्य है, अविनाशी विनाश होने वाला नहीं है, वो जो देता है वो भी अविनाशी है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो वो ज्ञान किसको दे रहे हो? शरीर के लिए खाना नहीं देते हो, आज खाया शाम को फिर भूख लगेगी, किसको दे रहे हो? आत्मा, आत्मा भी अविनाशी है। और जो ये ज्ञान जो सुना रहे हो ये आत्मा को सुना रहे हो,
तो आत्मा अविनाशी आत्मा के साथ ये ज्ञान सारा कल्प रहेगा, है ना। तो देने वाला अविनाशी विनाशी नहीं, और जो देते हो अविनाशी आत्मा को तो ज्ञान भी अविनाशी है। तब बाबा ने कहे अविनाशी ज्ञान अविनाशी आत्मा को देने में आपको 1 महीने में 100 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, फोन में किसी को घर से इधर तक आने में। तो लेकिन ये जो खर्चा पैसे का धन का खर्चा करे हो वो इतने जन्मों के लिए एक का पदम गुना फल देगा। खेती वाला कहता है इस खेती में बीज बोलो 50-100 दाना लगेंगे, अगर इस खेती में बीज बोलो 5-10 दाना लगेंगे। क्यों? पानी नहीं है उधर, खाद नहीं है, जमीन अच्छी नहीं है। अच्छी जमीन पर बीज ऐसे ऐसे बोलो तो ये भी कर्म की खेती है, है ना। कर्म ऐसे करो जो ज्ञान सुनो, स्वयं को भी समझाओ और औरों को भी समझाने के तरीका। कोई मिला, भाई जी कैसे हो, बहुत अच्छा है। आज मैं सेंटर में गया था, देखो शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई,